هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमको ये मौका दिए और ये जो है हम इंस्पिरेशनल लेक्चर्स जो पहली रमजान से चले आ रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट लेक्चर था इस सीरीज का. और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका मैं अल्लाह ताला के बाद शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट किए. इसको इतना ग्रैंड जो है सक्सेसफुल इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था. रोज आप लोग सही टाइम पर ऑनलाइन आते और मेरी टीम की मेहनत को एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो आपका पार्टिसिपेशन था, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जजाय खैर दे. और हर लम्हा जो आप और हम सब साथ गुजारे हैं, अल्लाह ताला एक एक सेकंड के बदले मेरी दुआ है कि इसका अज्र जो है इसको कंप्लीट करे अल्लाह ताला. और इस हर एक सेकंड जो हम गुजारे उसको जो है अल्लाह ताला एक अज्र में एक नेकी में जो है शामिल कर ले, आमीन. और आपका जो हमारा साथ रहा है पूरा रमजान, सुबह यानी दोपहर को भी और रात को भी अल्लाह ताला ऐसे ही हमारा साथ, ऐसे ही हमारी महफिलें जन्नतुल फिरदौस अल आला में भी रखे, जहां पर हम अल्लाह ताला की हमद व सना करें, अल्लाह ताला की तारीफ करें और साथ हमारा वक्त ऐसे ही गुजारे. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पूरा रमजान दिन और रात के ये जो सेशंस चले आ रहे थे, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हमारी टीम है उसकी मेहनत बहुत ज्यादा थी और उनकी लेवल ऑफ नॉलेज आप देख सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं. और ये सारे जो स्पीकर्स आपके पास पूरा महीना आए, ये कहीं से हम लोग गेस्ट स्पीकर्स नहीं लेकर आए, ये लेकिन ये सारे दारुल अरकम के स्टूडेंट्स हैं. कोई जो है कहीं से सेलिब्रिटीज को हम नहीं लेकर आए, और ये सब जैसे मेरे बच्चे हैं उस तरह से डीए के स्टूडेंट्स हैं. और बहुत लंबा सफर हमने जो है यहां तक गुजारा. आगे और कुछ बोलने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज एंड ऑफ द सेशन तक रहिए. अभी यहाँ पर सिस्टर सायरा का लेक्चर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करने के बाद थोड़ा सा ईद का दिन कैसे गुजारे क्विकली आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू लॉन्ग, या बहुत लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला. और उसके बाद विल कंक्लूड द सीरीज विथ इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल दुआ जो हम लोग इंशाल्लाह ताला दिल से करेंगे. तो दुआ में शामिल होने के लिए और पूरा कंप्लीशन ऑफ जो है इस प्रोग्राम के तक जो है शामिल होने के लिए प्लीज रुकिए. तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता रही थी कि ये सब मेरे बच्चे हैं और इनकी लेवल ऑफ नॉलेज और इनकी स्किल्स जो आपने देखा है यहाँ पर बहुत जो है मेहनत इन लोगों ने की है. तो मैं पूरी टीम का जो है यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह साथ आए, साथ जो है बहुत मेहनत की. 35 स्पीकर्स के अलावा पर बैकस्टेज टीम 5-6 लोग जो है पीछे काम कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम स्पीकर्स जो स्लाइड्स बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई पोस्टिंग कर रहा था, कोई यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने ये पूरे महीने का सफर देखा, तो यहां से आपको एक अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह की ट्रेनिंग दारुल अरकम में होती है. और ये सारे स्पीकर्स मेरे टीम लीडर्स हैं जिनकी वीकली बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेनिंग होती है. तो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेनिंग यानी टीम लीडर्स की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जो भी दीन का इल्म हम हासिल करते हैं उसको अमल में कैसा लेकर आए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कैसा करें, वो सारी जो है ट्रेनिंग इनकी वीकली बेसिस पर एवरी सैटरडे होती है. जो आप स्पीकर्स आए वो टीम लीडर्स में से थे. तो मैं एक हदीस के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला को कैसे जो है अमल पसंद है.
आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो है रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला को वो आमाल पसंद है जो रेगुलर बेसिस पर कॉन्स्टेंटली किया जाए, इवन अगर छोटे हो। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कॉन्स्टेंटली इवन अगर छोटा ही अमल क्यों ना हो, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ी सी बात ये बताना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में हमने बहुत सारे नेक अमल किए और बहुत सारी चीजें अपनी जो है जिंदगी में डेली रूटीन में उसको लाने की कोशिश की। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ लिस्ट कि इनके ऊपर कंसिस्टेंसी होना, ये रेगुलर बेसिस पे करना, वो हमारी लाइफ में कैसे एक ऐसा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। तो उसकी, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ वो अमल नहीं पसंद कि आप एक महीना कर दे फिर छोड़ दे फिर उसके बाद नेक्स्ट रमजान में आप करें। अल्लाह ताला को जो है वो अमल पसंद है जो रेगुलर बेसिस पर हो। और रमजान एक आपकी आपकी मेरी हम सबकी एक ऐसी ट्रेनिंग है कि अमल हमारे जिंदगी में शामिल हो जाए। अब इस अमल को जो है कॉन्स्टेंटली करना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। आप हम लोग रोजे रह रहे थे तो ठीक है छोटा सा करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी रखेंगे, उसके लिए हम महीने में 3 रोजे अय्याम में बीत के रह सकते हैं। अभी जो है जैसे सिस्टर सायरा ने बताया, या फिर मंडे थर्सडे रोजा रह सकते हैं, या कुछ महीने में 1 रोजा सही, 3 रोजे सही, हफ्ते में 2 रोजे सही, कुछ ना कुछ जो है इसको अपनी जिंदगी में हम इंशाल्लाह शामिल कर ले। उसी तरह सदका, आपने जकात निकाले, 5 लाख निकाले, 3 लाख निकाले, 2 लाख, ठीक है उतना नहीं, 5000, 2000, 1000, कुछ ना कुछ सदका महीने में हम निकाल सकते हैं। उसी तरह रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, ये सारी चीजों से हम बचे, टीवी म्यूजिक ये सारी चीजों से बचे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस सेशन के बाद, क्योंकि अभी सिस्टर सायरा का भी जो सेशन चला रिफ्लेक्शन के ऊपर चला कि हम जो रमजान में करें फिर उसका अक्स कैसे वो होगा, तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी स्टार्टेड डूइंग इन रमजान और दैट वी वेर डूइंग इन रमजान एंड थिंग्स फ्रॉम विच वी स्टॉप्ड आवरसेल्फ्स फ्रॉम जो है ड्यूरिंग रमजान। तो इन दोनों को फिर अल्लाह ताला को क्या पसंद है, रेगुलर एंड कॉन्स्टेंटली अगर हम करें तो पसंद। तो इनको मैं भले ही उतने बड़े पैमाने पे नहीं लेकिन छोटे छोटे, मैं तहज्जुद पढ़ती थी, तरावी पढ़ती थी, ठीक है 20 रकात पढ़ती थी, 8 रकात पढ़ती थी, 1-1 जुज पढ़ती थी, 2 रकात, कैन आई मेक एटलीस्ट 2 रकात जो है मेरी जिंदगी का हिस्सा क्या मैं बना सकती हूँ, इसके ऊपर गौर करिए। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताऊंगी कि एक छोटी सी बात मैं अपने जो कोर्सेस आ रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले व्हाई आर वी फेलिंग टू पुट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिस, ठीक है, क्यों हम ये सारी चीजों को अपनी अमल में लाने से चूक हो रही है। जैसे हमको पता है कि रमजान में जैसे हम लोग ने रोजों के वक्त जब भी कोई बुरी बात आती तो ये नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पेशेंट रहना है, गीबत नहीं करना है, बुराइयों से दूर रहना है, हर बुरी चीज से दूर रहना है, ये रमजान में तो हमने कर लिया रोजों की हालत में। बट वेन वी आर आउट ऑफ रमजान, या फिर रमजान में या नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, नॉलेज लेवल पर हम रखते हैं कि ये हमको करना है, बट वाई डू वी फेल टू प्रैक्टिस। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम में से हर किसी को पता है कि वेट कैसे लूज करना है और हेल्दी डाइट जो है क्या है, ठीक है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 kg के भी है, 90 kg के भी है, एंड दैट लेडी ऑल्सो नोज हाउ टू लूज द वेट, बट शी इज अनेबल टू लूज द वेट। वाई? बिकॉज जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, दैट इज ओनली अप टू द नॉलेज लेवल। वी आर नॉट लाइक इट्स नॉट गेटिंग इन टू प्रैक्टिस एंड वी आर नॉट बिल्डिंग द मसल टू डू इट। वॉट डू यू मीन बाय बिल्डिंग द मसल टू डू इट? जैसे आपको जिम जाना है तो पहले दिन आप करेंगे, दूसरे दिन आप करेंगे, तीसरे, फिर आप उसको कॉन्स्टेंटली करेंगे तो यू बिल्ड द मसल। इसीलिए अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो कॉन्स्टेंटली किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि द कोर्सेज दैट आई एम टेकिंग नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच। तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है, और फिर वो नॉलेज हमारे अंदर क्या रहता है, एक नॉलेज लेवल पर या इल्मी जो है लेवल पर रहता है। अभी मैं आपको जैसे बताई वो ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पर क्यों नहीं आता है, और अभी मैं अपने जो है टीम लीडर्स के बारे में भी बताई आप लोगों को कि उनकी एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी सैटरडे उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पर टीचिंग होती है, यानी जो हम जो सीखा है वो नॉलेज लेवल से ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पर
जो है उतरना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि टीम लीडर्स हाउ दे वर, उनका जो है नॉलेज का जो और स्किल्स का और ये सारी चीजों के लेवल्स के अलावा पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह उनका उनके अखलाक थे, किस तरह उनका जो है रवैया था, किस तरह से वो लोग हम्बल थे। पूरा महीना आप लोगों ने उनके साथ गुजारा तो आप लोगों ने देखा। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर है ना? आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस और एनीथिंग, तो एम आई क्लियर? जी मैम, जी मैम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वॉट इज लाइक हु इज अ लाइफ कोच एंड वॉट इज लाइफ कोचिंग। लाइफ कोच जो होता है वो क्या करता है, जिंदगी के जो हम लेसन सीखते हैं, जो बिहेवियरल एटिकेट जो है हम को मालूम होते हैं, या फिर जो भी हमारी नॉलेज लेवल पर होता है, जैसे अभी मैंने डाइटिंग का आपको एग्जांपल दिया, तो लाइफ कोच क्या करता है, व्हाई वी फेल टू डू इट, हाउ वी फेल टू डू इट, वो नॉलेज लेवल से उतार कर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में लेकर जाता है लाइफ कोच। एंड एज आई टोल्ड यू आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच नाउ। तो लाइफ कोच जो है आपकी जिंदगी को या फिर आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी स्किल्स या ऐसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के कुछ टूल्स देते हैं जो आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको आपको वो एरियाज कभी पता ही नहीं होते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाई आर वी फेलिंग टू प्रैक्टिस, पुट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी हम सीखे, जैसे गीबत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एवरीथिंग इज ऑन आवर नॉलेज लेवल। जैसे डाइटिंग के टिप्स हमको सब पता है, बट व्हाई आर वी नॉट लूजिंग वेट। हमको पता है गीबत नहीं करना है, हमको पता है गुस्सा नहीं करना है, हमको पता है कि बुराई नहीं करना है, हमको पता है कि हसद। व्हाई आर वी पुटिंग फेलिंग टू पुट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिस, बिकॉज हमारे दिल में हमारे ये सारी उसमें क्या है मालूम है कि एक हर्ट, एक एंगर, ये सारी चीजें जो है एक जम गई है, एक अंदर जो है बैठ गई है, जिसको निकलना बहुत जरूरी है। या कभी कभी जो है कुछ फियर्स है, कभी परफेक्शनिज्म पे हम जाते हैं, कभी प्रोकेस्टिनेशन होता है, कभी जो है ओवर थिंकिंग होती है, कभी जो है सोसाइटी हमारे ऊपर डाउट, फियर, शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें चिपका देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है सारी चीजें प्रैक्टिस में लाने से जो है चूक जाते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच नाउ, आई डू लाइफ कोचिंग फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। दीन जो हमें सिखाता है वो मैं आपको अपनी जिंदगी में उसका मसल कैसे बिल्ड करना है ये सिखाऊंगी। तो दैट इज वाई आप लोगों ने जैसे पूरा महीना देखा है उसमें वाई माई टीम इज डिफरेंट फ्रॉम everybody, this is because they have been giving transformational coaching, alhamdulillah, allahumma barik lana, unki mehnat, unki knowledge, unki skills ke saath saath unke akhlaq ka muzahira bhi jo hai pura aap log kaise sab kuch hai wo dekh liya hai. So here I invite you all to join Darul Arqam. So Darul Arqam ki team is always open for everybody. Yahan par bahut sare courses hai, hamare jo hai speakers aapko courses ke bare mein bata rahe the throughout the month. To yahan par aap bhi, jaise mere speakers yahan par hai, jaise mere team leaders yahan par hai, jaise meri team yahan par hai, even you can be like this. This is open for everybody. So I invite you all to join Darul Arqam. और इसके अलावा पर इनकी कई जो है ट्रेनिंग, जैसे मैं ये हुई तो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर तो मैं साल भर से इनकी ट्रेनिंग कर रही थी, तो आई एम ब्रिंगिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स आप सब के लिए भी मैंने अभी सेल्फ डेवलपमेंट के सेक्शन में ओपन किए हैं। तो इसमें सबसे पहले अवेकन मुस्लिमा ये आने वाला है 18, 19, 25 एंड 26 ऑफ मार्च। तो हम जितना रमजान में सीखे समझे ये सारी चीजें, तो यहाँ पर नॉलेज लेवल से आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में आपको ले जाने के लिए है। अवेकन मुस्लिमा के जो चार दिन के सेशन है, फर्स्ट डे सेशन इज हीलिंग एंड क्लियरेंस। हीलिंग यानी जो हमारी हम जिंदगी गुजारते हैं उसमें हम बहुत सारे जुल्म से, बहुत सारे अब्यूज से, बहुत सारे इनजस्टिस से, या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से गुजरते हैं जिसकी वजह से अंदर हमारे एंगर, हर्ट, गिल्ट, शेम, ये सारी चीजें बैठ गई है। तो फर्स्ट सेशन में आपकी हीलिंग होगी और सारी जो है क्लियरेंसेस होंगे। सेकेंड सेशन में क्योंकि अब हम बिल्कुल साफ होंगे, क्लियर होंगे, तो नाउ एक जो है एक एम्प्टी बॉटल की तरह होंगे, जिसमें विच इज रेडी टू रिसीव ऑल द गुडनेस।
तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, एंड द थर्ड एंड फोर्थ सेशन में आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है, तो यहाँ पर हाउ टू फुलफिल दैट पर्पस ऑफ हैविंग अ गुड दुनिया एंड गुड आखरा, ये होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी कोर्स फी है 6,999 रुपीज, लेकिन अगर ईद से पहले आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 4,999 होगी। एंड इफ यू रजिस्टर नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन, यू विल गेट वन जो है सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स फ्री अलॉन्ग विद इट, जो पहले हो गया था, दो तीन कोर्सेस हुए थे उसमें से अगर आपने किसी में रजिस्टर नहीं करवाया, इफ जो है आप अभी करवाते हैं बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद एक और सेशन है, हाउ टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दिस इज अ फ्री सेशन, इसकी कोई कोर्स फी नहीं है, एंड दिस इज ऑन 20th April इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ योर ट्रॉमास एंड योर पर्पस ऑफ लाइफ इसमें आपको मिलेगा। अगेन आई रिपीट, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, प्लीज बी हियर टिल द एंड ऑफ द सेशन, बिकॉज एक तो जो है मैं हल्का सा आपको ईद का दिन कैसा होगा ये बताना चाहती हूँ, और दूसरा अगर आपको कोई भी क्वीरीज है रिलेटेड टू ईद की नमाज, ईद का दिन, या पूरा रमजान या रोजे, आई एम हियर टू आंसर ऑल द फिकी इश्यूज इंशाल्लाह ताला, जो भी इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसकी रोशनी में, एंड विल कंक्लूड द सेशन विद दुआ इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन आंसर एंड क्वेरीज जो है हम लोग दुआ के बाद लेंगे। तो ईद का दिन कैसा हो, अब ईद का दिन कैसा गुजारना चाहिए, ये हम सबके जैसे ही ईद जहन में आता है तो मेहंदी, कपड़े, शॉपिंग, खाना, ग्रोसरीज, ये सारी चीजें तो होता है, और डेफिनेटली ये सारी ईद के लिए जरूरी भी है क्योंकि ईद का दिन बहुत जो है खुशी का दिन है। लेकिन सबसे पहले ईद का दिन कैसा हो उसमें शुक्रगुजारी होना चाहिए अल्लाह ताला की, शुक्रगुजारी होना चाहिए अल्लाह ताला की। और उसमें हमें खास तौर से आई रिक्वेस्ट ऑल द सिस्टर्स की बच्चों को घर में बिठाकर ये बताए कि क्यों ईद हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओ व्हाट अ बोरिंग डे, क्योंकि बच्चों को जो है ना अब रिलेटिव्स आते हैं, मिलते हैं, रूटीन से डिफरेंट, व्हाट अ बोरिंग डे, और बहुत सारे क्या करना है, ईद ईद तो है नहीं, ईद एक्चुअली में सेलिब्रेशन वाला दिन है। तो इसे सबसे पहले शुक्रगुजारी होना चाहिए और अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि व्हाई शुड वी बी थैंकफुल टू अल्लाह सुभान व तआला फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस डे। तो यहां पर इस दिन की अहमियत को समझाना चाहिए और शुक्रगुजारी होना चाहिए। देन सेकंड, अब रमजान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन पे है, प्लान योर लाइफ जो ईद के बाद हमको गुजारनी है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अल्लाह ताला को वो आमाल पसंद है जो कॉन्स्टेंटली किए जाए, जो रेगुलरली किए जाए, भले ही छोटे क्यों ना हो। तो बैठिए और आप देखिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हूँ। तो प्लान योर कंप्लीट लाइफ, ठीक है, या एटलीस्ट कंप्लीट ईयर, अगले साल तक मुझे क्या क्या करना है। और अगर ये रमजान के बाद आप, रमजान से पहले जो इंसान थे और रमजान के बाद है, थोड़ा ही सही, एक स्टेप ही सही, इफ योर लाइफ इज बेटर, इफ यू आर बेटर मुस्लिम, देन ये रमजान आपका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। तो ये हमेशा याद रखिए। एंड देयर इज अ कोर्स डिजाइन योर लाइफ विद रमजान 2024 व्हिच आई हैव टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ रमजान, रमजान से थोड़े दिन पहले, बिगिनिंग भी नहीं, रमजान से थोड़े दिन पहले ली थी मैं। तो उसमें मैंने कैसे डिजाइन करना है, क्या है, वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया था। और अगेन आई एम अनाउंसिंग यू कि अगर आप अवेकेंड मुस्लिमा की जो है रजिस्ट्रेशन बिफोर द एंड ऑफ सेशन करवाते हैं, तो डिजाइनिंग योर लाइफ विद रमजान, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। देन गुस्ल करना है, ये तो हम सबको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। नए कपड़े पहनना, इसमें भी हम एक्सपर्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा अकराम का तरीका होता था, या तो वो नए कपड़े पहनते, और नए कपड़े पहनना कंपल्सरी नहीं है, या तो नए कपड़े पहनते, या तो जो कपड़े होते उसमें से जो है वॉट एवर वी हैव उसमें से बेस्ट पहनना। परफ्यूम, परफ्यूम जो है मर्दों के लिए है, औरतों के लिए भी परफ्यूम औरतें लगा सकती है, लेकिन जब औरत कहीं बाहर जा रही है या फिर गैर महरम मर्द जो है उसके उसकी परफ्यूम की खुशबू को सूंघने के जो है जो चांसेस है या एक्सपोजर उसके लिए होगा, तो फिर औरतों के लिए परफ्यूम नहीं लगाना है। तो एक हदीस में तो जो औरत का परफ्यूम कोई दूसरा गैर मर्द जो है स्मेल करता है वो औरत को जानी कहा गया है। कैन यू इमेजिन, जानी कहा गया है वो औरत के लिए जिसका परफ्यूम कोई गैर मर्द सुनता है। तो बिकॉज इट्स अ टेम्पटेशन, बहुत सारी औरतें क्या करती है, जब ईदगाह को जाती है, ईद की नमाज के लिए जाती है, तो बहुत ज्यादा परफ्यूम भरकर लगाकर जाती है, तो उससे जो है परहेज करना चाहिए।
एक हमारा जो है दीन जो है एक मॉडरेट रिलीजन है, तो इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म या आप देखते हैं कोई भी चीज में एक्सट्रीमिटी पे जाना जो है ये पसंद नहीं किया गया है। तो सजना है, सवरना है, आप अपनी जो है उसमें हद में रहते हुए अपने आप को जो है एक ईद की तरह एक तैयार होते हुए जा सकते हैं, लेकिन प्लीज नमाज के लिए जब जाते हैं तो बहुत एक्सेसिवली ब्यूटिफाई होने से परहेज करिए, परहेज करिए नहीं करिए ही मत, एक्चुअली दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन तकबीरात, तकबीरात ईद उल फित्र के वक्त जैसे ही चांद देखिए तकबीरात पढ़िए, और वो तकबीरात कब खत्म होंगे, इमाम के खुतबे के साथ खत्म होंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही चांद ईद का देखते हैं गाना बजाना, नेटफ्लिक्स शुरू हो जाता है, ऐसा मतलब बिल्कुल क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल होता है ना, लेकिन ये सेलिब्रेशन के माहौल में तकबीरात को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और तकबीरात का बहुत ख्याल करना चाहिए। ईद उल फित्र में कब से करना है, ईद का चांद जब से देखे तब से लेकर इमाम का जब खुतबा शुरू होता है तब तक, और ईद उल अदा में अरफा के दिन से अय्याम तशरीफ तक, अरफा का दिन कौन सा है, 9 जिलहज से लेकर 13 जिलहज तक तकबीरात पढ़ी जाएंगी। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पूरी रमजान, पूरा रमजान जो है हम लोग मगफरत तलब करते रहे, लास्ट का पूरा अशरा जो है हम लोग क्या करते रहे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्वुन तुहिब्बुल अफ्वानी, ये पढ़ते रहे, तो पूरा रमजान जो है हम क्या करते रहे, अल्लाह ताला से दरगुजर माफी सब कुछ जो है तलब करते रहे। वॉट अबाउट हमारा दिल जिसमें कीना है, कपट है, दिल अभी भी मैल है, तो ये सब छोड़कर विजिट योर नियर एंड डियर वंस। तो ईद का दिन ऐसा है, सेलिब्रेशन का दिन है, वैसे तो जिस जो भी हमारे करीबी लोग हैं उनको विजिट करना है, लेकिन जिससे भी दिल में है, क्योंकि ये तो था ही मगफरत वाला महीना, ये तो था ही दिल की सफाई वाला महीना, तो ये सारी चीजें जो है साइड में रखकर जो है क्या करना है, हर अपने रिश्तेदार से, करीबी रिश्तेदारों से दिल जोड़ना है और उनसे गिले शिकवे खत्म करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था ईदगाह को जब जाते एक रास्ते से जाते, मतलब जाते वक्त एक रास्ते से जाते और लौटते वक्त दूसरे रास्ते से जाते, तो स्कॉलर्स ने इसको एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहा कि इसलिए वो एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से लौटते क्योंकि जो आने जाने रास्ते में जो है अलग अलग लोगों से मिलेंगे, यानी जाते वक्त अलग लोगों से मिलेंगे, और तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनसे जो है जो अपने रिलेशनशिप्स है वो और स्ट्रांग करना चाहिए, मिलना चाहिए ईद के लिए, इसलिए भी है। और ईद की ग्रीटिंग्स, बहुत सारे आपको इतने मैसेजेस आते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सुन्नत है, ईद की ग्रीटिंग्स कोई भी वर्ड्स में किए जा सकते हैं, जैसे ईद मुबारक, ईद सईद, कुछ भी। सहाबा अकराम तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम जो है कहते थे, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमसे और आपसे, यानी जो भी हम इबादतें करें, ये ईद सेलिब्रेट करें, ईद इत्सेल्फ जो है अल्लाह ताला की वो है, तो ये सब हमसे जो है अल्लाह ताला कबूल करे। अगर इस तरह से आप ग्रीट करें तो सहाबा अकराम की सुन्नत जो है आप फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसमें भी टेढ़ापन निकालते, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ईद की नमाज के बाद करना, ईद से पहले करना। आप कभी भी ईद का चांद दिखने के बाद से क्या कर सकते हैं, ईद के लिए ग्रीट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड्स में कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अकराम का तरीका ये होता था कि आप ईद की नमाज के बाद विश करते थे, तो वो डेफिनेटली सुन्नत है, क्योंकि वो जमाने में टेलीफोन्स नहीं थे, वो जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, वो जमाने में एसएमएस नहीं थे, वो जमाने में कनेक्टिविटी के या कम्युनिकेशन के इतने सारे जरिए नहीं थे, तो इसलिए वो सब तो ईद का चांद दिखने के बाद घरों में रहते थे, रात में जागने की भी आदत नहीं थी, और फिर मिलते कब थे, ईद की नमाज के बाद मिलते थे, इसलिए ईद की नमाज यानी ईद की नमाज के लिए मिलते थे और ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को ग्रीट करते थे। लेकिन अगर कोई ईद का चांद दिखने के बाद एक दूसरे को ग्रीट करता है तो वो हराम नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं है, वो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें रोकने की भी कोई जो है जरूरत नहीं है। खाने पीने में भी एक्सपर्ट से हम अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, पकवान करते हैं। देन एक लास्ट चीज से जो है मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि जो भी हम, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो जो भी सेलिब्रेशन हो उसमें हलाल चीज हो और बहुत जो है सही तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन हो, इसमें इसकी जो है हमको बहुत वो करना चाहिए। सेलिब्रेशन में भी जो है ना इस्लाम इज सो इजी एंड सो जो है मॉडरेट, लेकिन इसको कुछ लाइन लोगों ने एक एक्सट्रीमिटी की तरफ लेकर गए हैं। इसकी वजह से जो है बहुत सारे आजकल, जब से मैं इंडिया आई हूँ देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक
एक्सट्रीमिटी की लेवल पर लेकर जाने की वजह से नौजवान जो बच्चे हैं, यंग कॉलेज गोइंग टीनेजर्स हैं, वो लोग दीन से भाग रहे हैं। तो आप देखिए, दीन इतना सख्त तो इतना तंग नहीं है जैसे कुछ कुछ घरानों में दीन के बारे में ये समझते। मैं हमेशा अपने मिशन में अपने जो है उसमें ये बताती हूँ, मैं दीन की सही इस्लामिक नॉलेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों को जो है दीन के नाम पर ग्लव्स भी पहना दिया जाता है, काले काले अबाये पहना दिए जाते हैं। देर इज नो दलील इन कुरान की आप काला अबाया ही पहनो, देर इज नो दलील इन कुरान की आप ग्लव्स पहनो, सॉक्स पहनो, अपने आप को इतना ढक लो। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने पर्दे के क्या अहकाम बताए हमको पता है। आपको सहाबियात का पता होगा, जब पर्दों का हुक्म आया था तो बेडशीट फाड़कर वो अपने आप को कवर करती थी। तो क्या बेडशीट काले होते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये वर्ड यूज किया कि काले अबाये पहने? तो ईद का दिन सेलिब्रेशन है या फिर जैसे भी आप कर रहे हैं, तो कलर्ड अबाया पहन सकते हैं आप, लेकिन एक मॉडेस्टी में। और अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि जीनत का इजहार मत करो। जीनत का मतलब है ब्यूटीफाइंग टू एक्सीलेंस। तो ब्यूटीफाइंग टू आप, क्योंकि ब्यूटीफाई करना क्या है मालूम है, एक इंसान एक औरत की फितरत में होता है। तो अब ये बच्चियों को आप देखिए, ये कर दिया जाता है कि ये सारी चीजों से दूर करने की वजह से क्या हो जाता है, वो बच्चियां इस्लाम से ही दूर चली जा रही है। इस्लाम जो एक फितरी दीन है, जो फितरत में इंसान के रखा है अल्लाह ताला ने, उसके जो है साथ साथ अल्लाह ताला वो की है, फितरत के अगेंस्ट आपको कुछ करने के लिए दीन नहीं कहता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि जो सेलिब्रेशन हो वो क्या हो, मॉडरेशन में हो, कोई भी चीज मॉडरेशन में हो। और जैसे दीन का के अहकाम है वो सेलिब्रेशन में आप देखिए, म्यूजिक नहीं होना चाहिए, गाना बजाना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पे गैर मर्द और गैर औरतें जो है आपस में मिल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाकया आपको पता होगा कि जब जो है दफ बजाया जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ठहर के उनको वो देखने दिया, और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसके जो है एक्सप्लेनेशन और इस वाकये के बारे में ये कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड दैट सो Because he wanted Jews to know, यानी वो जो है इनको यहूदियों को ये बताना चाहते थे कि इस्लाम जो है इज नॉट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली है, इट हैज जो है लीनियंसी एंड वेरी इजी इन नेचर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, तो अब इसमें अगर लड़कियां औरतें मिल रहे हैं, अच्छा जो है तैयार हो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो नाच भी कर रहे हैं, क्योंकि डांस जो है वो किया जा सकता है ऑन दफ या फिर ऑन, आजकल तो नॉन जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं होती है, वोकल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक वगैरह जो है उसके ऊपर किया जा सकता है, ये इस्लाम में अलाउड है। अगर इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन आई विल आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक मैं आप लोगों के बताना चाहूंगी, औरतों की ईद की नमाज। ठीक है, औरतों की ईद की नमाज, इसके ऊपर भी बहुत बहस होती है, बहुत जो है रोका जाता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुम अपनी औरतों को ईद की नमाज के लिए लेकर आओ, लड़कियों को लेकर आओ, हैज में जो औरतें हैं उनको भी लेकर आओ, और जो कुआरी लड़की है उनको भी लेकर आओ, लेकिन हैज में जो औरतें होती है उनको नमाज गाहों से दूर रखो ताकि वो जो है दुआ में शामिल हो जाए। फिर उनमें से जो है औरतों ने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर किसी औरत के पास जिलबाब ना हो, यानी अपने आप को कवर करने के लिए जो शीट्स वो लोग ओढ़ती थी, इस तरह के स्टिच अबाये तो उस जमाने में नहीं, वो लोग एक कवर, एक चादर की तरह एक शीट जो है अपने ऊपर ले लेती थी, तो अगर वो जिलबाब ना हो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको चाहिए कि अपनी मुसलमान बहन से मांग कर लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना इसके ऊपर स्ट्रेस किया कि तुम औरतों को ईदगाह को लेकर आओ, बच्चियों को भी लाओ, हर एक को अलग अलग मेंशन किया, बच्चियों को भी लेकर आओ, बालिग को भी लेकर आओ, नाबालिग को भी लेकर आओ, वर्जिन्स को भी लेकर आओ, हैज में हो तो भी लेकर आओ। तो इससे क्या पता चलता है कि कितना जरूरी है ईद की नमाज में जो है पार्टिसिपेट करना, ईद की नमाज के लिए जाना, इवन अगर हैज में भी हो तो भी जो है जाना है। हम क्या करते हैं घर की बिरयानी बनाने में, मिर्चियों का सालन बनाने में, शीरखुरमा बनाने में, इतना भी अगर मैं ईद की नमाज के लिए चले जाऊंगी तो मर्द हजरात जब आएंगे उनके लिए बिरयानी जो है रेडी नहीं होगी, उनके लिए जो है शीरखुरमा रेडी नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी तो मेरी सास क्या कहेंगी, मैं चली जाऊंगी तो मेरी नंदे क्या कहेंगी। दिस इज ऑल जो है ना, आप सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, ठीक है, मेरी सास क्या कहेंगी, नन्हे क्या कहेंगे, देवर क्या, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड।
हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत है या किसी और के बुरा मानने की, कोई और क्या समझ लेंगे ये जो है मानने की। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज ईद की नमाज की अहमियत समझिए। और ये मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस रखी हुई है, यानी सहीहैन के जो है हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अगर आपके घर में कोई ये बात नहीं मानते हैं तो ये हदीस उनको बताइए। दूसरी चीज, घर में जो है ये रेडी नहीं होगा वो रात को प्रिपरेशन कर लीजिए। शीर कोरमा रात को बनाने से कोई जो है खहर आने वाला नहीं है। बिरयानी की प्रिपरेशन रात में कर लिए आप तो कोई जो है तूफान आने वाला नहीं है। लेकिन ये ईद की नमाज और ये दुआओं में शामिल नहीं होंगे तो फिर क्या हम कितनी बड़ी ब्लेसिंग से महरूम हो गए, ये सोचिए। ना वो ब्लेसिंग बिरयानी में होगी, ना वो ब्लेसिंग शिरखोरमे में होगी, ना वो ब्लेसिंग आपके जो है मिर्चियों के सालन में होगी, ना अगर आप चिकन 65 बनाएंगे तो उसमें होगी। तो वो ब्लेसिंग से महरूम होके हम कौन सी ब्लेसिंग्स में गुम हो गए, ये सोचिए। तो मेक ऑल द प्रिपरेशंस अ डे बिफोर और अ नाइट बिफोर। तीसरी चीज, अल्लाह ताला की खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला की रजामंदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात को ज्यादा तरजीह देना है, इससे ज्यादा कि ये कौन कहेगा, वो क्या समझेगा, ये क्या करेगा। और वॉट एवर यू कैन डू, डू इट। अगर हम कोई चीज करने के लिए ठान लेते हैं, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ करना है, हम कैसे ठान लिए तो कहीं ना कहीं से हम रास्ता निकाल लेते हैं ना। तो इसके लिए भी जो है रास्ता निकालिए। एंड उसके बाद जो है कोई अपने दिल में गिल्ट मत रखिए कि अरे मैं ईद के दिन घर छोड़ के चली गई, मैं सुबह सुबह जो है निकल के चली गई, ये मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए गई और बहुत सारी नियामतें हासिल करने के लिए गई। इसके ऊपर अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला आंसर करूंगी। एंड लास्ट थिंग इज जकात अल फित्र। ये जकात से अलग सदका है, ठीक है, ये वाजिब है यानी ऑब्लिगेटरी है। रमजान के रोजों के बाद जो है इसमें क्या है, अच्छा ये वाजिब इसलिए है क्योंकि इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने कहा कि ये वाजिब है और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो है इसको वो करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्ट्रेस किया, बहुत बताया, तो इट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है। और हम रमजान में क्या करते हैं, जो रोजे रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमसे हो जाता है। जैसे हमको पता है कि रोजों में गीबत नहीं करना है, हमको पता है कि रोजों में जलसी से दूर रहना है, हमको पता है कि रोजों में जो है झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी दिल हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चीजें रह जाती है। तो ये ज़कात अल फित्र क्या करता है, जो हमसे रमजान के रोजों में गलतियां हुई थी उसको प्योरिफाई करता है, ठीक है, इसलिए है। और साथ साथ में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ईद हो जाए इसलिए होता है। और ज़कात अल फित्र ईद की नमाज से पहले देना है। ज़कात अल फित्र सिर्फ और सिर्फ एडिबल चीजों की देना है, यानी खाने पीने की जो चीजें होती है ज़कात अल फित्र के बदले में आप पैसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आई अगेन रिपीट, ज़कात अल फित्र पैसे नहीं दे सकते हैं, बिकॉज पैसे वो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कपड़ों के लिए, फी के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन ज़कात अल फित्र जो है किस में जाना है, जैसे अहादीस और आपसे असलम के तरीका वो देखते हैं, वो खाने में और स्टेपल फूड में ही जाना है। और हर एक इंसान को देना है। रमजान का जो लास्ट सनसेट देता है देखता या सनसेट के बाद पैदा हो, यानी ईद का चांद दिखने के बाद या फिर वो टाइम पे जो अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसका भी ज़कात अल फित्र देना है। और अगर ईद के चांद के बाद या लास्ट डे ऑफ रमजान के सनसेट के बाद कोई फौत हो जाए तो उस इंसान का भी जो है ज़कात अल फित्र देना है। और किसको देना है, यानी हर एक इंसान जिसके पास एक दिन का खाना मौजूद हो, खुद का, खुद के घर वालों का, और उसके अलावा वो किसी को भी दे सकता है, तो उसके ऊपर ज़कात अल फित्र वाजिब है। और किस किस को देना है ज़कात अल फित्र, जो भी इंसान खुद और उसके अलावा जिस जिस को सपोर्ट करता है, जैसे एक आदमी है वो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, उसके घर में जो जो भी लोग रहते हैं, जो उसके गार्डियनशिप के अंदर रहते हैं और जिस जिस को वो सपोर्ट करता है उसको देना है। अगेन यहाँ पर जो है, अगर बीवी बच्चे खुद का ज़कात अल फित्र दे सकते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि वो खुद दे। जैसे आप लोगों ने ये एक सीरीज में जो है एक इसके ऊपर ज़कात के ऊपर आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा और वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि औरतें अपना ज़कात खुद देना है और औरतों की जो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो खुद की होती है। तो उसी तरह अगर औरत अपना ज़कात अल फित्र भी खुद दे तो वो बेहतर है। तो माय डियर मुस्लिम सिस्टर्स, प्लीज टेक
जो है अपनी खुद की दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ये, वुमेन वो, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, व्हाट अबाउट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो आपको सब चीज चाहिए, व्हाट अबाउट आवर ओन दीन? हमें अपना जकात भी खुद देना है, हमें अपना जकातुल फित्र भी जो है आपके पास जो भी पैसे उसमें से निकालिए, उसके बाद आप देखिए कितनी खुशी आपको मिलती है, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना है। माइनर का जकातुल फित्र जो है कौन देगा? गार्डियन देगा। फीटस जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ माँ के हमल में है, उसका जकातुल फित्र वाजिब नहीं है, लेकिन अगर दे दिए तो हर्ज भी नहीं है। अगर आपके घर में कोई जो है तनख्वाह पर मुलाजिम है तो उसका जकातुल फित्र आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले गुलाम होते थे उनका जकातुल फित्र है, लेकिन तनख्वाह के ऊपर आपका कोई मुलाजिम है तो उसका जकातुल फित्र वो खुद देना है, उसका जो है आपके ऊपर नहीं है। कितना देना है? एक सा देना है, एक सा अप्रोक्सीमेटली 3 kgs आता है, 3 kgs से थोड़ा कम होगा। और स्टेपल फूड देना है जो ह्यूमन कंजम्पशन का हो, जैसे खजूर है, वीट है, राइस है, पास्ता है, कॉर्न है, बार्ली है, तो या कुछ भी जो है फूड स्टफ्स में दिया जा सकता है। ज़कातुल फित्र कोई और काम के लिए, जैसे सर्जरी के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, कपड़ों के लिए, और अपने क्या कहते हैं स्कूल फी के लिए, ये सारी चीजों के लिए नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ खाने में ही देना है। और ज़कातुल फित्र काफिरों को नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर अपनी बात कंप्लीट करते हुए दुआ शुरू करूंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا اللہ تعالیٰ پورا رمضان کا مہینہ ہم لوگ بہت ساری علمی باتیں کیے، علمی جو ہے دروس سنے، علمی جو ہے لیکچرز اٹینڈ کیے، جو بھی ہم سیکھے، جو بھی ہم سمجھے، وہ ساری چیزوں کو ہمارے عمل میں اتارنے میں ہماری مدد فرمائیے اور ہمارے علم میں اور اضافہ کریے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے سفر کو یہاں پر ختم مت ہونے دیجئے، لیکن یہ سفر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے مرتے دم تک علم کا سفر اور عمل کا سفر جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تعالیٰ آج ہم ہمارے ماں باپ کی وجہ سے یہاں پر ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، جو ہم چھوٹے تھے ہم کو پڑھنا لکھنا چلنا پھرنا بولنا سب کچھ سکھایا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کریے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کریے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ماں باپ کی تنگی کو آسانی فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے لیے ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم بن سکے، ہم ہمارے بھائی بہن، یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس العلیٰ میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کریے، ہمارے ماں باپ کا خاتمہ بالخیر کریے، ہمارے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو روشن کر دیجیے اور ان کو جنت الفردوس العلیٰ میں جگہ عطا فرمائیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن بہنوں کی اولاد دی ان کو اولاد عطا فرمائیے اور ہم کو اچھے وارث عطا فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ابنی عندک، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی رب لنا عندک بیتا فی الجنہ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہے تجھ سے ہم جنت میں گھر سوال کر سکے، لیکن تیری رحمت سے یا اللہ تعالیٰ ہم مایوس نہیں ہے، ہم تجھ سے جنت میں گھر جو ہے اس کا سوال کرتے ہیں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ یا اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کا حال اتنا برا ہے دنیا میں، پلیز ہمیں فتح عطا کریے یا اللہ، مفسد قوموں کے اوپر مسلمانوں کی فتح
दीजिए अल्लाह ताला उनके खिलाफ हमारी मदद करिए अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ये दुश्मनों के खिलाफ ये फासिदों के खिलाफ हमारी मदद करिए, तो रहम फरमा दीजिए अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा दीजिए, तो उनकी मदद फरमाइए अल्लाह, जैसे बदर में उहुद में फरिश्ते हैं अल्लाह उनकी मदद फरिश्तों से करिए अल्लाह ताला, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, या अल्लाह ताला शैतान हमारे आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से अपना और हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, हमारे दिलों में वसवसा डालता है अल्लाह ताला, प्लीज अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, या अल्लाह ताला उनको तुम्हारी करीब भी मत आने दीजिए, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुन मिन अल-ख़ासिरीन, या अल्लाह ताला हम तुझसे लाइल्मी में ऐसे ऐसे चीजों का सवाल करते हैं जिसका हमको इल्म नहीं, अल्लाह ताला तू अगर हमको नहीं बख्शेगा, अगर हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा, हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह ताला, रब्बि जअलनी मुकीम अस-सलाह, रब्बि जअलनी मुकीम अस-सलाह व मिन ज़ुर्रियती, रब जअलनी मुकीम अस-सलाति व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ताला हमारे औलादों को नमाज कायम करने वाला बना, या अल्लाह हमारे औलादों को नेक हिदायत नेक तौफीक अता करिए अल्लाह ताला, हमें हमारे औलादों को नेक तौफीक अता फरमाओ और हमको और हमारे औलादों को नमाज कायम करने वाला बना, रब्बना तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन को तमाम मोमिनों को माफ कर दीजिए, या अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन इस तरह रखिए कि तू हमसे राजी हो जाए अल्लाह ताला, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरु निअमतका अल्लती अनअमता अलैया, या अल्लाह ताला तूने इतनी नियामतें हमको बख्शी है लेकिन हम हमेशा तुझसे कंप्लेन ही करते रहते हैं, हमेशा हम तुझसे जो है शिकायत करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्रगुजार बंदा बना दीजिए, हर हालत में शुक्रगुजार बंदा बना दीजिए अल्लाह, رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو يا الله ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجئے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ تجھ سے دنیا کی ہر نعمت کا ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تجھ سے آخرت کی ہر نعمت کا سوال کرتے ہیں وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیجیے, ایک تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ, تھوڑی دیر کچن میں رک گئے تو برداشت نہیں ہوتا, روزوں میں پانی نہیں پیے دھوپ میں نکلے تو برداشت نہیں ہوا, جہنم کی کیسی آگ کیسی گرمی ہم لوگ برداشت کریں گے اللہ, وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر, یا اللہ صرف تجھے پہ توکل کرتے ہیں, تیری طرف پلٹتے ہیں, تیری طرف رجوع کرتے ہیں, اے اللہ ربنا آمنا, اے اللہ ہم ایمان لائے تجھ پر, یا اللہ ایمان لائے تجھ پر اور تیرے رسول پر, فاکتبنا مع الشاہدین, ہم لوگ پورا رمضان تیری عبادت کرتے رہے ہیں, ہم ہمیں جو ہے شاہدین میں لکھ لیجئے, ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا, اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمارے نور کو تمام اور کمپلیٹ کر دیجئے, پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے, ہماری خبروں کو تیری رحمت سے روشن کر دیجئے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں, ہم جیسے گنہگاروں کو بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ, انک علی کل شیء قدیر, ہم کو بخش دیجئے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, یا اللہ تعالی ہمارے شوہروں کو ہمارے بچوں کو جو ہے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کو متقیوں کا امام بنائیے, گھر میں ہمارے سکون لے کر آئیے, اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں سکون لے کر آئیے, ہر ایک رشتے کو کمپلیٹ کریے, ہمارے رشتے داروں میں دلوں میں جو بوس کا کینا کپٹ میل سب دور کر کر ایک خوشحال زندگی دیجیے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, یا اللہ ہمارے دلوں پر صبر کو انڈیل دیجیے, کئی کئی جگہ ہم صبر کی کمی کرتے ہیں, یا اللہ پلیز ہمارے
दिलों के ऊपर सब्र को उंडेल दीजिए और हमारी वफात मुसलमानों में कीजिए और ईमान के ऊपर हमें मौत लाइए। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तज़अलना फ़ितनतन लिल क़ौमिल ज़ालिमीन वनजिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन वनजिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله تعالى ہمیں کہیں نہ کہیں ہدایت ملی ہے آج اس لیے ہم اس محفل میں ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیریے وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار बेशक अल्लाह ताला ईमान लेकर आए तेरे ईमान लाने वाले बंदों में से है लेकिन हम कमजोर है, हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कोताही हो जाती है, हम बहुत सारी गलतियां जानते हुए अनजाने में कर देते हैं अल्लाह ताला। हम लेकिन तेरे ईमान लाने वाले बंदों में ही अल्लाह रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िरना लना ज़ुनूबना अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर दीजिए जो हमने जानते हुए की, जो हमने अनजाने में की, जो हमने मजबूरी में की, वो भी ना दबना, वो भी ना दबना। अल्लाह आज से हमको बचा लीजिए, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते अल्लाह, वो भी ना दबना। अब बराबर अपने नफ्सों पे जानते पूछते हमने गुनाह किए, जानते पूछते तेरी नाराजगी काम किए, रखने के बावजूद कम गुनाह से नहीं बच सके। हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अब बना सुनो वही मन तो फिर मिला वतरहमना। अगर तू हमको नहीं बख्शेगा तो हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा या रब। जरे कुल इन्ना मिना खातिरीन, हम बहुत सारे हो जाएंगे या रब, हम बहुत सारे हो जाएंगे या रब। अगर तू हमें नहीं माफ करेगा तो हमें नहीं बख्शेगा। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان جو ہم سے پہلے گزر گئے ہمارے برومین ہمارے رشتے دار سب کو معاف کر دیجئے اللہ آج وہ دعا نہیں کر سکتے आज वो तुझसे मगफरत तलब नहीं कर सकती तो उनको माफ कर दे, उनको बख्श दे, उनकी खबरों को रोशन कर दे, उनके लिए जन्नत सलाला लिख दीजिए। रब्बना इन्ना समिअना मुनादिना लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। या अल्लाह रसूल की बात हमने सुनी और हम ईमान लेकर आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। वकफ़िर अल्लाह सय्यातिना हमारे गुनाहों को ढाँप दीजिए या अल्लाह हम इतने गुनहगार हैं। वकफ़िर अल्लाह सय्यातिना हमारे गुनाहों को ढाँप दीजिए, दुनिया और आख़िरत की रुसवाई से हमें बचा लीजिए। हमारे गुनाहों को ढाँप कर या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर कर या अल्लाह, हमारे गुनाहों को छुपा कर, हमारे गुनाहों को माफ करके अल्लाह तआला हमें दुनिया और आखिरत की रसाई से बचा लीजिए। तवफ्फना मअ अल-अबरार और अल्लाह नेक काम लोगों में हमारा शुमार करिए। रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يا الله جهنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، إلا عذاب من كان وارده،
جہنم کے عذاب پر یا اللہ تعالیٰ، نہیں کر ہو سکتے جہنم کے عذاب پر، کے سامنے ہم ربنا ربنا تقبلنا، ربنا تقبلنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، یا اللہ جو ہم بھول گئے، جو خطا کی اس کے لیے مت پکڑی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا الله هم میں سے جو بیمار ہے ان کو بھی ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ بیماری کے بدلے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين، يا الله تعالى ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان کریے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والا بنائیے، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھیے، ثابت رکھیے، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا اللہ تعالیٰ تیری اطاعت سے ہمارے دلوں کو کبھی پھرنے مت دیجیے، اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہ تعالیٰ تخوی کو ہمارے دل میں جمع دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تخوی کو جمع دیجیے، یا اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں، میں سوال کرتی ہوں، جو بھی ہم یہاں پر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیے رمضان بھر میں، ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائیے، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو معاف کریے، پھر بھی ہمیں جنتوں کی مغفرت کی تیری رضامندی کی خوشخبری دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن جن کو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کریے، جن جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دین کی سمجھ عطا کریے، نماز قائم کرنے والا بنائیے، اور گمراہی سے دور رکھیے، شیطان سے دور رکھیے، یا اللہ تعالیٰ شوہروں کو اور بیویوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، گھروں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو بھی فساد ہے اس کو دور کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر جمع کر ایک اچھی موت دیجیے، اللہ ہم سب کو کلمے والی موت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر کریے، یا اللہ ہم سب کو اس حال میں بلائیے کہ تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہم سب کو اس حال میں تیرے پاس بلائیے کہ تو ہم سے راضی ہو، یا رب ہم سب کو اس حال میں بلائیے کہ تو ہم سے راضی ہو، یا رب یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش کے تیرے رضامندی والے عمل کر کے کرتے رہے، اس حال میں ہم کو تیرے پاس بلائیے، یا اللہ جب ہم فوت ہو جائیں تو خبروں کو ہمارے لیے کشادہ کر دیجیے، اللہ جب ہم فوت ہو جائے تو ہماری خبروں کو کشادہ کر دیجیے، ہمارے فوت ہوتے ہی ہم کو تیری رضامندی کی اور جنت کی خوشخبری دے دیجیے، ہم سب کی خبروں میں یا اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیجیے، جو مرحومین گزر چکے یا اللہ تعالیٰ، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، جو بھی اللہ تعالیٰ، ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دیجیے، ان کو کبھی قبر کا عذاب نہ دیجیے، کبھی جہنم کا عذاب نہ دیجیے، ہم کو ہمارے متعلقین کے ساتھ اور ہمارے پورے دار العلوم کی بہنوں کے ساتھ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائیے، انصراط کا راستہ آسان کریے اللہ تعالیٰ، انصراط کا راستہ آسان کریے، اس تیرا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے، ہماری زندگیوں میں شرک سے، بدعات سے،
रियाकारी से, हर तरीके के बुरे अमल से जो है हमें दूर रखी हो, तेरी रजामंदी वाली जिंदगी गुजारने वाला हमें बनाइए, तेरे दीन के काम के लिए चुन ले, तेरी बात हम दूर दूर तक पहुंचाए, अंबिया के वारिस हम बने या अल्लाह ताला, तूने जैसे अंबियाओं को चुन लिया उनके वारिस हमको बनाइए, दीन का काम करने के लिए हमें हमेशा चुना हुआ रखिए, तेरे हमेशा चोजन लोगों में हमें रखिए, तेरे पसंदीदा लोगों में हमें रखिए, और उसके बाद फख्र को, किब्र को, तकबर को, बुरी चीज को, हर बुरी बात को हमारे दिलों से दूर रख के, दिलों से निकाल कर एक हम्बल, एक आजीव इंसान और तेरे सजदों में गिरने वाला, तेरा शुक्रगुजार इंसान में बनाइए। आमीन। एक दो मिनट जिस जिसको कोई कोई पर्सनल दुआ करना है कर लीजिए। कुछ बीमार लोग थे, वो लोग मुझे दुआ करने के लिए कहे थे, अल्लाह ताला उनको जो है शिफा अता करिए, उनकी बीमारी जो है दूर करिए, और जिन जिनको रोजी नहीं है अल्लाह ताला उनको रोजी के जरिए खोलिए अल्लाह ताला, और रोजी में जो है कुशादा रोजी अल्लाह ताला अता करिए। आमीन। और सब लोग एक मिनट अपने अपनी पर्सनल दुआ कर लीजिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत दे, और हम सबके बच्चों को, हमारी औलादों को अल्लाह ताला आंखों की ठंडक बनाए। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ تعالیٰ جو بہن اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے بول رہے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دیجیے، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے۔ یا اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو، تمام لڑکیوں کے نیک نصیبہ کریے، لڑکے اور لڑکیوں کو اچھے شوہر اور اچھی بیوی دلائیے، اچھے اسپاؤسز دلائیے جو ان کی دنیا کو جنت کر دے اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم دعا کی ہے آج وہ دعاؤں کو قبول فرمائیے، اور جو دعا کرنا ہم بھول گئے، جس کا شاید ہم کو علم نہیں ہے، تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہے، وہ تمام چیزیں تیری رحمت سے عطا کریے جو ہم شاید مانگنا بھول گئے یا اللہ۔ جو بہن اپنی بیٹی کی ڈلیوری کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پلیز اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی ڈلیوری آسان کریے۔ یا اللہ تعالیٰ جو بچے امتحان لکھنے والے ہیں ان کے امتحان میں ان کو کامیابی عطا کریے یا اللہ۔ یا رب ہمارے مسلمان بچوں کو کامیابی عطا کریے یا رب، ہر فیلڈ میں کامیابی عطا کریے ہمارے مسلمان بچوں کو۔ آمین۔ رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم